morning, us. Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online English classes. बच्चो, आज LSRW of English का part 25 है और sound of AKE, sound of AKE, उसकी आवाज आती है एक, एक, एक. जी हाँ, AKE की आवाज आएगी एक. चलिए फटाफट जानते हैं एक AKE लगा हुआ शब्द, rhyming words और उनके मीनिंग और साथ ही साथ उच्चारण, प्रोनंसिएशन. ठीक है, एल ए के ई, इसका उच्चारण होगा लेक, एल ए के ई, लेक. लेक मीन्स झील, वो पानी वाला हिस्सा, छोटा सा वो लेक है. ठीक है, टी ए के ई, इसको पढ़ेंगे टेक, टी ए के ई, टेक. टेक मीन्स लेना. आई एम टेकिंग टी, मैं चाय ले रहा हूं. एम ए के ई, मेक, एम ए के ई, मेक. मेक मीन्स बनाना. आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूं. ठीक है, सी ए के ई, इसको पढ़ेंगे केक, सी ए के ई, केक. आप सब में से मैक्सिमम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर वाला बर्थडे तो मनाया ही होगा, जिसमें केक लाते हैं और काटते हैं, है ना, जन्मदिन पर वो केक खाने वाला होता है. केक को हिंदी में बोलेंगे तो टिकिया. ठीक है, ये हो गया केक. तो सब में आप देख रहे होंगे यहाँ ल में ए की मात्रा और क लग गया, ए की मात्रा क, ए की मात्रा क, ए की मात्रा क, और यहाँ ये हो जाएगा आपका स्टेक, स्टेक. स्टेक मीन्स, स्टेक मीन्स दांव. हाँ, दांव, दांव, दांव मीन्स शेयर भी हो सकता है, शेयर मतलब हिस्सा. ठीक है, हिस्सा हो गया स्टेक. अब है आगे मिस्टेक, मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स गलती. हाँ, डोंट कमिट मिस्टेक, गलती मत करो. आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है. एफ ए के, फेक. एफ ए के, फेक. फेक मीन्स झूठ, झूठ नहीं, झूठ. दिस इज अ फेक न्यूज, यह एक झूठ का समाचार है, झूठ समाचार है. आगे है आर ए के ई, रेक. सबके घरों में रेक होता होगा, वो दीवार में अलमारी जैसी होती है ना, जिसमें सामान रखते हैं, किताब रखते हैं, कपड़े रखते हैं, तो वो रेक कहलाती है. रेक मीन्स बोल सकते हैं सांचा या ढांचा. ओके, तो ये सांचा हो गया. तो बच्चों, ये था साउंड ऑफ ए के और पार्ट 25. ये भी लंबा चलेगा, ये पर्टिकुलरली पांचवा क्लास से लेकर के नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है, जो कि थोड़े इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो उनके शब्द, इंग्लिश के शब्दों को वो अच्छे से समझ सकें, उसको पढ़ सकें, उसको लिख सकें, उसको बोल सकें. इसके लिए मैंने ये शुरू सीरीज शुरू की है. ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा जानते हैं उनके लिए ये नहीं है, ये वो बच्चे ये वीडियो देखे ही नहीं, जो काफ़ी तेज़ हैं. ये जो थोड़े स्लो लर्नर हैं, फिफ्थ क्लास के, सिक्स्थ क्लास के, सेवन्थ क्लास के, एट्थ क्लास के और नाइन्थ स्टैंडर्ड के, वैसे बच्चों के लिए है ये. और इसके आगे मैं ग्रामर पार्ट सिखाता हूँ, वो आप सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ उन लोगों के लिए है. ठीक है, ये पर्टिकुलरली है कमज़ोर थोड़े बच्चों के लिए, LSRW ऑफ इंग्लिश को. इसी को मैं धीरे 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 धीरे, जब ये 50-60 चला जाएगा, वो शब्दों के पास उनके गैदरिंग हो जाएगी बच्चों के पास, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, काफ़ी कलेक्शन हो जाएगा, तो उनको बोलने में, लिखने में दिक्कत नहीं होगी. और वाक्य बनाना तो मैं ग्रामर में सिखा ही रहा हूँ,
तो LSRW ऑफ इंग्लिश का जो हिस्सा है वो मैं बदल दूंगा स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है? तो आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे संपर्क में रहें, वीडियोस देखते रहें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नए साउंड के साथ। थैंक यू।